आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एटा जनपद के अलीगंज क्षेत्र में डिप्टी एसपी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सर्कल भर के पुलिस थानों के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथ में तिरंगा लेकर पुलिस की वर्दी से सुसज्जित जवानों ने कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। कस्बे के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। जगह जगह देशभक्ति के नारे लगाए गए। कस्बे में तिरंगा यात्रा के बाद उत्साह देखते ही बन रहा था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने से पहले भारत देश के लोग देशभक्ति में लीन हैं। देश के प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आह्वान के बाद से ही युवाओं सहित हर वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी क्रम में एटा जिले के अलीगंज कस्बे में थाना अलीगंज, थाना राजा का, रामपुर, थाना जसतपुर, थाना नया गांव, थाना जैथरा के पुलिस जवानों ने देशभक्ति गीतों की धुन पर थिरकते हुए हाथ में तिरंगे थाम कर अलीगंज के डांग बंगला चौराहा से होते हुए गांधी चौराहा के तहसील चौराहा होकर नगला पड़ाव से घूमकर डीएवी ग्राउंड में तिरंगा यात्रा का समापन किया। देखिए एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट एसकेएच न्यूज। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरीके से लोग अपने अपने तरीके से तिरंगा जो है यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने भी आज तिरंगा यात्रा निकाली, पुलिस के जवानों ने निकाली, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? इसमें हम ये चाहेंगे कि हमारा भारत महान है और हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है और इंशाल्लाह ताला हमेशा ऊंचा रहेगा। इसके लिए हम अपने देश के लिए हर वक्त जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके तहत आज जो है पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक आनंद पहली बार इस आज़ादी की पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे आज सीओ साहब की नेतृत्व में जो मार्च निकाला गया उससे जनता में एक अति उत्साह का माहौल बना है और लोग पूरी उत्साह और उमंग के साथ इस तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और देश में एक ऐसा वातावरण बना है जिससे कि लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं। और हमारे जो तिरंगे की शान है जिसमें तीन रंग हैं, पहला रंग केसरिया, वो एक संदेश देता है कि हम उगते हुए सूर्य की तरह हमेशा चमकते रहें, और बीच का रंग हमें शांति का जो प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो हरियाली की ओर और आने वाले पर्यावरण की ओर हमें इंगित करता है कि हम पर्यावरण से अपनी मित्रता रखें और देश को हरा भरा बनाएं। इस तरीके से जो तिरंगा है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा हमारा झंडा है और यही हमारी शान है। श्योताब, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसी क्रम में आज जनपद एटा के अलीगंज कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या मैसेज दिया है और क्या लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक किया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में शासन द्वारा 11 से लेकर 17 अगस्त तक पूरे पुलिस प्रशासन विभाग सहित हम लोगों को एक टारगेट दिया गया है। पूरे ये इन दिनों में हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज अलीगंज में हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग की है और तिरंगा लेकर पूरे शहर में हम लोगों ने भ्रमण किया है और एक संदेश दिया है कि इसी तरह पुलिस शांति व्यवस्था में हमेशा योगदान देती रहेगी और देती आई है। आज़ादी के इन 75 सालों में हमने सामरिक, सांसारिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बुनियादी क्षेत्रों में तमाम प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति के दौर में हम अब पुलिस विभाग की तरफ से देखना चाहें तो अपराधियों ने भी अपने अपराध करने के तरह तरह के तरीके ढूंढ रखे हैं और इस तरह से जो इन्होंने तरीके ढूंढे हैं, पुलिस विभाग ने भी इन साइबर क्राइमों में हमने अपने सर्विलांस के माध्यम से इन अपराधियों की कमर तोड़ दी है और हमेशा कमर तोड़ते रहेंगे और इन्हें कभी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अलीगंज पुलिस हमेशा अपने कार्य में तत्पर रहेगी। लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, कंधे से कंधा मिला के चलने की आवश्यकता, यही अपेक्षा करता हूं मैं।